हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपने देखा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, और क्या डी बाई डी एन ऑफ डी बाई डी एन ऑफ एन स्क्वायर एन होता है क्या, देखते हैं हम। तो देखिए, आपने अगर ऐसा देखा होगा कि के प्लस के अप टू एन टाइम्स इज के इंटू एन। ओके, सो एन प्लस अप टू एन टाइम्स विल बी वॉट एन इंटू एन एन स्क्वेयर। एंड नाउ इफ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एन, अब दोनों साइड एन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, डी डी एन ऑफ एन प्लस एन प्लस एन अप टू एन टाइम्स इज इक्वल टू डी डी एन ऑफ एन स्क्वायर। और डी डी एन ऑफ एन, एन का एन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन अप टू एन टाइम्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका, इसे क्या बोलोगे आप, टू एन या फिर वन 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 एन टाइम्स एन। तो फिर ये गलत, देखिए आप डी डी एन ऑफ एन स्क्वायर यहाँ से क्या आया, डी डी एन ऑफ एन स्क्वायर यहाँ से डी डी एन ऑफ एन स्क्वायर आया आपके पास एन, आप सोच रहे हैं टू एन। ये प्रॉब्लम क्यों हुई, तो ये प्रॉब्लम इसलिए हुई दोस्तों क्योंकि ये एक्स क्या होता है इस केस में, x belongs to this interval माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसलिए ये एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और ये कैसा है, अगर इसको बोलेंगे f ऑफ n इज इक्वल टू एन स्क्वायर या y इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये डिस्क्रीट है, क्यों डिस्क्रीट है, क्योंकि n किस में बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n इज अ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, और n बीइंग अ नेचुरल नंबर ये f ऑफ n इज इक्वल टू एन स्क्वायर जो है वो डिस्क्रीट है। इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा आपके पास, इस तरह से आएगा, इन डॉट्स को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, और इस केस में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आप डॉट्स को ज्वाइन कर सकते हो, तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा और इसका ग्राफ ऐसा, और आप पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 1 होगी 2 होगी, तो 1 के लिए इसकी वैल्यू 1 मिली, 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या मिली, 2 के लिए इसकी वैल्यू 4 मिलेगी, 3 के लिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। तो ये कैसा है, ये डिस्क्रीट ग्राफ है, ये डिस्क्रीट है, दीज पॉइंट्स आर डिस्क्रीट पॉइंट्स, इसलिए इस चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंस है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर में एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और इधर एन किसको बिलोंग करता है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसीलिए नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए डिफरेंशिएशन के रूल नहीं लागू होते, डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं बनती उनकी, उनकी डिफरेंस इक्वेशन बनती है, वो कभी और हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इस दिमाग में रखिए, ये कितना अच्छा लॉजिक है, आप अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और इस चैनल को आगे तक ले जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप एक फैमिली मेम्बर की तरह हो, और वी ऑल आर अ फैमिली मेम्बर,
और आप इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो विश यू ऑल गुड लक।